कोरोना नाम ही किसी बवाल से कम नहीं है। अगर ये जानलेवा बीमारी हो जाए तो घर और मोहल्ले में बवाल, अगर ये वायरस जान ले ले तो उससे भी ज्यादा बवाल। कब्रिस्तान में दो गज जमीन पाने के लिए यकीन नहीं हो तो रांची से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने देश में किस कदर बवाल मचा दिया है, इसकी बानगी रांची की ये तस्वीरें हैं, जहां मुर्दे के अंतिम संस्कार को लेकर जनता पुलिस और प्रशासन से भिड़ गई। लोगों में कोरोना का खौफ इस कदर है कि इस बीमारी से मरने वालों को कब्रिस्तान में दो गज जमीन भी नहीं देना चाहते। जब कल रिम्स में एडमिट एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई, वो इसी मोहल्ले में रहते थे, और जब उनके शव को दफनाए जाने के लिए ले जाया गया रातू रोड स्थित कब्रिस्तान में, तो वहां जमकर हंगामा किया वहां के लोगों ने। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में 56 साल के एक शख्स की मौत कोरोना से हो गई। इस शख्स को दफनाने में प्रशासन को नाकू चने चबाने पड़े। पुलिस शव को एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान लेकर घूमती रही, लेकिन विरोध और बवाल की वजह से अंतिम संस्कार नहीं करा पाई। आखिर में तीसरी कोशिश में सुबह तड़के शव को दफनाया जा सका। दरअसल लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर कोरोना से मरने वालों को बस्ती के नजदीक वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया तो वहां मौजूद चूहों से संक्रमण बस्तियों में ना फैल जाए। इसी वजह से लोग कोरोना मरीजों को दफनाने का हर मुमकिन विरोध कर रहे हैं। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।